Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Guys, how are you? Myself, Faisal Rafi Daha. Welcome to FRD Learning English. Guys, today I will tell you about present indefinite tense. That what is present indefinite tense? Guys, aaj main aapko present indefinite tense ke baare mein bataunga ke present indefinite tense kya hote hain, isko kaise pehchante hain aur isko kaise banate hain. गाइस इस सबक को मुकम्मल करने में एक खासा वक्त और लादादात किस्म की महारत को इस्तेमाल किया गया. यह सबक बहुत ज़्यादा अहम है. अगर आप इससे बेपनाह फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसका एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो दरकार है. तो चलिए शुरू करते हैं. गाइस सबसे पहले मैं आपको टेंसेस का इंट्रोडक्शन भी कराता जाऊँ कि टेंसेस का इंट्रोडक्शन क्या है. There are 12 tenses in English language. यहाँ 12 tenses हैं अंग्रेजी ज़बान में. तो there are 3 tenses: present, past and future. Every tenses are divided in 4 parts. Total tenses are 12. Number 1, present indefinite tense. Number 2, present continuous tense. Number 3, present perfect tense. Number 4, present perfect continuous tense. Number 5, past indefinite tense. नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस. नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नंबर 9 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. नंबर 10 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. और नंबर 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और नंबर 12 में मौजूद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. गाइस इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं. गाइस तो चलिए शुरू करते हैं. गाइस सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग नाउ इट्स फॉर्म यूजिंग द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी यूजुअली यूज द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जमाना हाल में किसी काम का करना या होना जाहिर करता है और इस टेंस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. वी यूज अबव वर्ब विदाउट एनी चेंज. आई वी यूज दे आर प्रोनाउन नाउन कम इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट एंड वी ऑलवेज एड ई आर यस टू द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन ही शी इट आर एनी सिंगुलर नाउन कम इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई कुक ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग. तो गाइस आगे बढ़ते हैं. अब हम इंफेरिमेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं. इंफेरिमेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस इंफेरिमेटिव का ही है? तो इंफेरिमेटिव सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बस वह जुमला सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है. फॉर एग्जाम्पल आई गो, वी गो, यू गो, ही गोज, शी गोज एंड इट गोज. इसमें आई वी यू ही शी इट ये सब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं और गो जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. इसमें आई गो इसमें सिर्फ गो ही लगेगा, इसमें एस एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है और बल्कि प्लूरल है. तो आई वी यू ये प्लूरल हैं और इसके साथ गो का इस्तेमाल करेंगे, इसके ना कि हम गोज़ का इस्तेमाल करेंगे. नहीं, गोज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ही और शी इट के साथ गोज़ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर हैं. तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे. डू नाट आर डज नाट इज़ यूज्ड बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब्स. फॉर एग्ज़ाम्पल मनफी जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में डो नाट या डस नाट का इजाफा करते हैं. तो अगर जुमले का सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो डस नाट का इजाफा करेंगे. अगर जुमले का सब्जेक्ट प्लूरल यानी आई विल यू दे हो तो डो नाट का इजाफा करेंगे. तो गाइस मिसाल की तरफ आ जाते हैं. अब आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा कि I do not go, we do not go, you do not go, he does not go, she does not go, it does not go, they do not go. इसमें I, we, you, he, she, they ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और हेल्पिंग वर्ब do not इस्तेमाल किया गया है और वर्ब go इस्तेमाल किया गया है.
तो गाइस आगे बढ़ते हैं, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। टू वर्ड्स यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट एंड इन क्वेश्चन मार्क। तो सवाल या जुमला बनाने के लिए डू या डस को जुमले के शुरू में लगा के आएंगे लगाएंगे तो और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर जुमले का सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर हो तो डज का इजाफा करेंगे, अगर जुमले का सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल हो तो डू का इस्तेमाल करेंगे। ये याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो आई गो, डू वी गो, डू यू गो, डज ही गो, डज शी गो, डू दे गो। इसमें डू हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आएंगे और बाद में सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा और उसके बाद वर्ब इस्तेमाल होगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ आ जाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं इसको, कैसे पहचानते हैं इसका बनाने का तरीका क्या है और इसको समझते कैसे हैं कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम किसी काम के करने के दरमियान में होते हैं तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी और हेल्पिंग वर्ब इज़ामार इस्तेमाल होंगे, यानी ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ इसका लगाया जाता है, इज लगाया जाता है और जबकि आई वी यू दे या कोई प्लूरल हो तो इसके साथ आर और जबकि आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम इंफिरमेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं कि इंफिरमेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे कैसे समझेंगे। इंफिरमेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मसबा जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। तो नीचे मिसालों से जाहिर हो रहा है, देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल I am going, we are going, you are going, he is going, she is going, it is going and they are going, I, we, you, he, she, it। ये सब के सब सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं और इसके बाद इज़ामार हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है गोइंग इस्तेमाल किया गया है। ये सब के सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही एग्जांपल हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे कैसे पहचानेंगे और बनाने का तरीका क्या है तो देखते हैं दोस्तों। नॉट इज यूज्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, दैट टाइम वी कैन मेक द सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान नॉट का इजाफा करके हम मल्टी जुमला बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम मिसालों की तरफ जाते हैं। For example, I am not going, we are not going, you are not going, he is not going, she is not going, it is not going, they are not going। इसमें I, we, you, he, she, it, they सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं और हेल्पिंग वर्ब इज़ामार इस्तेमाल किए गए हैं और not not इस्तेमाल किया गया है और गोइंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिहाज से। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं कैसे पहचानते हैं बनाने का तरीका क्या है और इसको कैसे पहचानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट एंड इज इन अ क्वेश्चन मार्क टू फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में रखकर और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। For example, am I going? Are you going? Are we going? Is he going? Is she going? Is it going? Are they going? और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिहाज से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे समझते हैं, इसका बनाने का तरीका क्या है, तो चलें शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट ऑफ टू द प्रेजेंट।
The present perfect tense is formed by taking the past participle and putting it in the front of it. The present tense of the verb. Present perfect tense कोई काम जो past से शुरू होकर present तक हो इस tense के लिए verb की तीसरी form यानी third form का इस्तेमाल करेंगे और helping verb has या have इस्तेमाल करेंगे और he, she, it या कोई singular हो तो इसके साथ has लगाएंगे और अगर जुमले का subject कोई plural हो तो यानी I, we, you, they हो तो इसके साथ have लगाएंगे For example, he has cooked breakfast. He has cooked breakfast. इसमें cook third form इस्तेमाल की गई है. तो guys आगे बढ़ते हैं. Affirmative sentence की तरफ आ जाते हैं. Affirmative sentence क्या होते हैं? इसको कैसे बनाते हैं? The affirmative sentence of present perfect tense consists of subject, helping verb, and verb and object. बस जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को मुश्तमिल होता है जैसा कि नीचे मिसालों से जाहिर हो रहा है तो चलिए गाइस मिसालें इसकी देखते हैं फॉर एग्जांपल आई हैव ईटन एन एप्पल दे हैव गॉट मुल्तान सुल्तान हैज वॉन द पीएसएल शी हैज कुक्ड अली हैज प्लेड क्रिकेट दैट्स एग्जांपल आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये सब की सब मिसालें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही हैं तो गाइस आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हुए हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं डॉट इज पुट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट टू फॉर्म ऑफ नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान डॉट का इजाफा करते हैं और जब हम बटवी जुमला बनाने लगे तो मिसाल के तौर पर हम मिसालों की तरफ आ जाते हैं For example, I have not gone, we have not gone, you have not gone, he has not gone, she has not gone, it has not gone. So, ये सब present perfect tense की ही मिसालें हैं और जब वो negative sentence बनाने के लिहाज से तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज पुट बिफोर सब्जेक्ट एंड इन योर ओन क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब के जुमले के शुरू में रखकर और आखिर में सवाल निशान लगाएंगे यानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल हैव आई गॉन हैव वी गॉन हैज ही गॉन हैज शी गॉन और ये सब के सब इंटरोगेटिव सेंटेंस की ही मिसालें हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिहाज से तो गाइस आगे बढ़ते हैं अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ आ जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसको कैसे समझते हैं इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ डायरेक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई काम जमाना माज़ी से शुरू होकर अब तक जारी हो वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ तो भी ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन और आई वी यू दे और कोई प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा और सिंस और फॉर जो कि प्रपोजिशन है तो सिंस को पीरियड ऑफ टाइम जबकि फॉर को पीरियड ऑफ टाइम यानी कि सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम और जबकि फॉर को पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे टेंस में फॉर एग्जांपल इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock तो चलिए गाइस अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिहाज से एंड अफर्मेटिव सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन एंड सब्जेक्ट मसबा जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है तो जैसे नीचे मिसालों से जाहिर हो रहा है तो आप इशारे देख लीजिए तो आगे बढ़ते हैं आप फॉर एग्जांपल इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर अर्शद हैज़ बीन स्टडिंग फॉर एन आवर वी हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग
तो गाइस अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिहाज से। तो चलो देखते हैं। डॉट इज पुट बिटवीन हैज और हैव एंड बीन टू फॉर्म ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यानी मनफी जुमला बनाने के लिए हैज या हैव और बीन के दरमियान में डॉट का इजाफा करेंगे। तो नीचे मिसालों से ज़ाहिर हो रहा है, देख लीजिए, देखते हैं। चलो गाइस, फॉर एग्जांपल, इट हैज़ नॉट बीन रनिंग फॉर एन आवर, सना हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर टू आवर्स, वी हैव नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो दिस एग्जांपल आर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एज आर नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसको कैसे समझेंगे। ये टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिहाज से। तो सवाल, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट एंड इन विद क्वेश्चन मार्क, सवाल जुमला बनाने के लिए हैज या हैव को जुमले के शुरू में रख कर और राइट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो मिसाल के तौर पर नीचे मिसालों से जाहिर हो रहा है, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैज इट बीन रनिंग फॉर एन आवर, हैज सना बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, हैव वी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। दैट्स एग्जाम्पल आर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। गाइस उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे बेपनाह फ़ायदा उठा सकें। टेक केयर, थैंक यू टू ऑल गाइस।